अभी बज रहा है 9:30 के करीब करीब और हम यहाँ आ चुके हैं हाइपर इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैंने ऐसा किया है कि मैंने गाड़ी इसके घर पे खड़ी कर दी, फिर हम लोग आए हैं रैपिडो से, क्योंकि भाई इतनी दूर अपन ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे को पहले बताया गया था कि हम जो है हमारा वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, 10 नंबर साइड बोला था ना पहले, हाँ कोलार या 10 नंबर साइड बोला था। पर फिर क्या हुआ ना कि उनने बताया कि आइपर है, क्योंकि जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी उनको गलत फैमिली हो गई थी, सो इसलिए फिर ऐसा हुआ। और ठंड लग रही बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ शिविर हो रहा पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये इतनी 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 प्यारी जगह है भाई साहब, इतनी प्यारी जगह है कि क्या बताऊँ। सो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, क्योंकि कमलेश का ऐसा मन था बहुत दिनों से, तो कमलेश का ऐसा बहुत दिनों से मन था कि साथ में ब्लॉग स्टार्ट करना। सो मॉर्निंग 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 गाइस, मैं हूँ आपका अपना मान कलाकार, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी हूँ ठीक। तो अभी क्या है कि हमारी मॉडल आ रही है, उनने बोला कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, और शायद पीछे बस आ गई है, तो वो आ ही रही हैं, आ ही रही होंगी। उनका नाम है शीतल, तो वो जैसी आती है फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो हियर वी हैव शीतल विद अस। शीतल हाय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठंडी लग रही है? Can't tell you, मुझे कोई ठंडी नहीं लग रही है फिलहाल, मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, like a princess. My God, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो, पता है सच्ची में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। मतलब मॉडलिंग में कब से इंटरेस्ट है? मुझे बस जनरली इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने में, बस बाकी मॉडलिंग का क्या है, मैं तो छोटी छोटी से होते रहते हैं इवेंट्स या कॉम्पिटिशन, उनमें पार्टिसिपेट करते से बड़े लेवल पे कुछ नहीं किया अभी तक मैंने। अच्छा ऐसा, चलो कोई बात नहीं, अब हमारे साथ मॉडल रहेंगी मैम, वो प्रोबेबली आगे रहेंगी। सो अभी क्या है ना कि कमलेश फटाफट फोटो खींचेगा, क्योंकि मैम कितनी देर में जाना है अंदर? अभी टाइम है मेरे पास, काफी टाइम है। 10 बजे कितने बजे? मेरा 11 से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन ऑलरेडी उनमें और भी इवेंट डिले कर रहे हैं, तो फिर ये पता नहीं कितना डिले कर। बस ठीक है, तो मतलब वो तो इंडिया है, तो इंडिया में तो होते ही 11 बोल के 12 होता है, 12 बोल के 1 होता है, फिर 1 बोल के वो वहाँ पे पपीज लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो कमलेश, कमलेश को कैसा लग रहा है? कमलेश कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बस ऐसे करके हाथ छुपा लेंगे भाई साहब जी, ठीक है। तो अभी चलो अपन जल्दी से फोटोज खींचते और फिर मिलते, तब तक एंजॉय करो टाइम लैप्स, ठीक है, तब तक। और वीडियो लगे अच्छा तो कर देना लाइक, ज़्यादा लगे अच्छा तो कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, ये है अपनी टैग लाइन, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐसा है कि यहाँ पे हो गया है पूरा शूट कंप्लीट, हमको जो भी सिनेमैटिक शॉट्स लेने थे वो ले लिए हैं, और फोटोज़ वगैरह भी ले लिए हैं कमलेश ने और मैंने। तो आपको ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बाल खड़े हो रहे हाथों के। हाँ इनने तो आउटफिट जो है वही पहन के रखा, हमने तो टोपा ये वो सब पहन के रखा है, फिर भी ठंड लग रही, तो इनकी तो माशाल्लाह हालत पतली हो रही होगी एकदम, पूरे पूरे डेड, एकदम डेड डेड, बिल्कुल डेड। सो अभी कितनी, अभी 10:35 हो रहा है, बस अगर मैं बोलता ना 10:35 हो रहा है तो मस्त मजा आती है ना। थोड़ा अपन छाँव में आए, जरा छाँव में आए, तो क्या हो रहा है ना कि धूप भी आ रही है और फोटो पूरी ऐसी जली जली सी हो रही है, ठीक है। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, फोटोज अल्टीमेट आई हैं। एट द एंड जैसे रिचुअल है अपन डाल देंगे फोटोज अपनी रॉ वाली, ठीक है, तो देख लेना, और एडिट वाली फोटोज मिल जाएंगी आपको किधर। सो गुड, ट्रस्ट मी, रॉ फोटोज ही बहुत अच्छे लग रहे थे, एडिट का तो कुछ कह ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच। सो ऐसा है कि ना अभी 10:35 हो चुका है, अंदर पे कार्यक्रम है 11 बजे का। फोटोज कैसे आए छोटे? बहुत मस्त, कुछ बोलता ही नहीं है, अपना व्लॉग है भाई साहब, अब सही ना, अपना व्लॉग है, अपन बोल सकते हैं। इधर आ जा, बहुत अल्टीमेट फोटो आई है एकदम, देखो लाइटिंग देख रहे हो कितनी गंदी आ रही है। यस वी आर डन। तो एंजॉयड, दूसरा राउंड में मिलते हैं, बहुत एंजॉय किया ये वाला। तो अभी हो रहा है कितनी देर में हो रहा है? लेट्स सी कब तक होगा, अभी 11 का बोल रहे हैं, गॉड नोस, यू सेड अर्लियर इंडिया है, प्रोबेबली 11:30-11:30 तक तो हो ही जाएगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। आई होप मेरे मेकअप की वॉट लगने से पहले। हाँ मतलब भाई मेकअप बहुत कर रखा है, जैसे कि A1
और मैं बता देता हूँ कि मेकअप किसने किया है, मेकअप किया है निकिता ने, जो कि बालानी, ठीक है। सो उनको आप मिल सकते हैं मेरे वीडियो में, जो कि ऊपर आ जाएगा कार्ड हम मेंशन करेंगे नीचे वीडियो में। हाँ मेंशन भी करेंगे, लिंक भी रहेगी। बाकी ऊपर मेरे जो लास्ट वीडियो था SBB स्टाइल आइकन, जो पाखी सिन्हा जी, पाखी सिन्हा विनर, तो उनका भी कार्ड आ जाएगा, देख लेना। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और इस वाले की भी मिल जाएगी, तो देख लेना, चेकआउट हर प्रोफाइल भाई, बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और इसकी भी ठीक है। तो इनके इंस्टा की भी डाल देंगे अभी, क्या इनके बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं क्योंकि ये इसी कॉलेज की है। सोना ये जा रही है, सो अभी अपन रखते हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे जैसे ही अंदर पहुंचेंगे। जैसे कि पहले जो पाखी वाला था उसमें भी ऐसी था, पर इसमें ऐसा है कि इसमें भी तीन राउंड बोले थे, दो या तीन है यार, सुना नहीं सही से। सो ऐसा है कि अभी बस हम लोग बैठे हुए हैं, जल्दी से शूट हुआ, मतलब पहले मेल का, मतलब पहले फीमेल का हुआ, फिर मेल का हुआ, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। सो बाहर आ गए हैं, मतलब अभी बज चुका है 1:40, सो लेट हो चुके हैं। अच्छा खासा घर पे बोला था 2 बजे आएंगे, पर 2 बजे तक नहीं पहुँचे। सो ऐसा है कि अभी बस वेट कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी से चेंज कर रही हैं और फिर आ रही हैं। सो जैसे ही वो चेंज करके आती हैं, तो उनका आउटफिट बताएंगे कैसा है क्या है, तो फिर मिलेंगे अभी थोड़ी देर। सो इधर भी है हर्षुल भैया, जिनके साथ हमने एक मूवी करी थी, क्या नाम था, कर्मा नाम था, जो कि थी अंकित की। अंकित को आप लोग शायद नहीं जानते हो क्योंकि वो एक भी बार ब्लॉग में आए नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये रहे हर्षुल भैया, कैसे हो? बस बढ़िया यार। यहाँ पे कैसे यार? यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट फेस्ट चल रहा है, रिफ्लेक्शन सीजन 7 2020। हाँ। तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट फेस्ट देख रहा हूँ। अभी हमारा जो शो है फैशन शो है। ओके। तो मेन कोऑर्डिनेटर, हाँ ये कोऑर्डिनेटर है और हम यहाँ पे फोटोग्राफर हैं। तो हमारी मॉडल अभी रेडी होने के लिए गई है, ठीक है। थोड़ी सी भैया से वार्तालाप करते हैं, बहुत दिनों बाद मिले। शूट वूट का कार्यक्रम ऐसे ही भैया का टलते 2 साल हो गए ना अपना। 2 साल आई पता नहीं क्या हो रहा है सबके साथ, जो शिवांगी थी इसके साथ भी 2 साल, फिर एक और बंदा था उसके साथ 2 साल, फिर 2 साल करके एट लास्ट इस साल हो ही जाएगा 2020 में। प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि रहें साथ में और शूट करेंगे। सो कमलेश भी रहेगा और मुनी भी रहेगी। सो यहाँ पे सेकेंड आउटफिट में भी शूट हो गया है कंप्लीट। और कैसा लग रहा है? एकदम अल्टीमेट। फोटोज कैसी है? थैंक यू सो मच। मतलब यार मेरे को खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी फाड़ू फोटोज खींच कैसे ली। और सब इधर एक ही ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना, जो चेयर डली हुई है, इसी में एकदम आग लगा डाली भाई। भाई साहब मतलब क्या फोटोज आई है, देखना आप लोग रॉ ही देख के इतने खुश हो जाओगे। तो एडिट होने के बाद तो माशाल्लाह क्या तो फोटोज रहे, A1 फोटोज आई है। ट्रस्ट मी दीस गाइस आर जस्ट सुपर। थैंक यू सो मच। बस इनको इतना दुख लग रहा था कि वो नहीं, वही मैं सिलेक्ट नहीं हुई। मैं बोला कोई बात नहीं यार, कंपटीशन ऐसे होते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि एक ही कंपटीशन है। स्टिल आई एम हैप्पी, आई हैव लॉट्स ऑफ पिक्चर्स टू पोस्ट। हाँ, और एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक्सपीरियंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स ही मेरे लिए सफिशिएंट है। फिर बस और क्या चाहिए, बस बढ़िया है। सो बस अभी हम लोग निकलते हैं, सो ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी और अपने मम्मी पापा का भी। थैंक यू, सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। Thank you.
उनका भी कार्ट आ जाएगा, देख लेना ठीक है। उसमें भी उनके भी उसमें भी उस वीडियो की लिंक में भी डिस्क्रिप्शन, अरे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है।